नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले ओकिनोवा की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक बाइक आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। ओकिनोवा का OK19 काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों। आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बता दूंगा, फीचर बता दूंगा, कौन कौन से कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं वो आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो क्रेजी वी चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं OK19 के कलर के बारे में। तो आपको कौन कौन से कलर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्लोसी एज ग्रे कलर देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको वाइन रेड कलर देखने को मिल जाता है, उसके बाद ग्लोसी प्रियल व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है, और लास्ट कलर आपको यहाँ पर ग्लोसी ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। तो चार कलर है और चारों कलर में काफी अच्छी दिखाई देती है। आपका जो बेस्ट कलर हो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें, यानी कि स्पेसिफिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो बस वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले अपन यहाँ पर वर्जन की बात करें तो स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो अपन यहाँ पर पावर एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल टाइप आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 3800 वॉट की आपको यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। राइडिंग रेंज की बात करें, यानी कि एक चार्ज के अंदर ये कितना चलती है, तो एक चार्ज के अंदर ये 160 किलोमीटर चल जाती है। उसके बाद ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी देखने को मिलेगी। टॉप स्पीड की बात करें तो 90 km/h की आपको यहाँ पर टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3 से 4 घंटे ये फुल चार्ज होने में लेती है। आराम से इसे नाइट में लगा सकते हो और फुल चार्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑटो कट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 250 kg तक आपकी इसकी कैरिंग कैपेसिटी रहने वाली, यानी कि इस पर 2 बंदे आराम से बैठ सकते हो और छोटा मोटा सामान भी आराम से रख सकते हो। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 3.6 kW की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाएगी। बैटरी टाइप की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी। उसके बाद अपन यहाँ पर मोटर टाइप की बात करें तो आपको यहाँ पर सेंट्रल माउंटिंग मोटर आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी मोटर है। उसके बाद अपन चार्जर आउटपुट की बात भी यहाँ पर करें तो माइक्रो चार्जर विथ ऑटो कट देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद अपन ब्रेक व्हील एंड सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा वो EABS मिलेगा। और फ्रंट ब्रेक टाइप की बात करें तो डिस्क आपको यहाँ पर फ्रंट ब्रेक देखने को मिल जाएगा, रियर में भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। और व्हील साइज की बात करें तो काफ़ी बड़े व्हील इसके दिखाई देते हैं, और यहाँ पर जो व्हील साइज है वो 16 इंच का व्हील है फ्रंट और रियर दोनों में, यानी कि बाइक जितना बड़ा टायर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अपन यहाँ पर फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 16 का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रियर की बात करें तो 18 ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा। टायर टाइप जैसा कि मैंने बताया ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। रियर में बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल शॉक विद डुअल ट्यूब टेक्नोलॉजी सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है इस स्कूटर के हिसाब से। ओकिनोवा काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। उसके बाद कव वेट की बात करें तो इस स्कूटर का कव वेट 115 kg है। उसके बाद ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2220 mm की इसकी लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। विड्थ की बात करें तो 710 mm की विड्थ मिलेगी। हाइट की बात करें तो 1160 mm की हाइट मिल जाएगी। व्हील बेस की बात करें तो 1520 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 175 mm का। सीट हाइट की बात करें तो 900 mm का आपको यहाँ पर सीट हाइट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अपन मेन बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की, यानी कि बैटरी की आपको कितनी वारंटी मिलेगी, मोटर की कितनी मिलेगी। और मेन बात भी दोस्तों यही होती है, वारंटी अगर अच्छी हो तो आराम से कोई भी ब्रांड आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पर बैटरी वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको बैटरी की वारंटी मिल जाएगी। मोटर की बात करें तो मोटर में भी आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। अब अपन यहाँ पर कुछ अदर फीचर की बात करें तो ओडोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, रीजनरेटिव देखने को मिल जाएगा, DRLs आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, GPS आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, पार्किंग असिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एंटी थेफ्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट स्टॉप आपको देखने को मिल जाएगा, USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स देखने को मिल जाएगा, अंडर सीट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर जो मिलेगा वो डिजिटल मिलेगा, स्टैंड अलार्म आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेप सीट आपको इसमें दिखाई नहीं देगी। उसके बाद अपन यहाँ पर बात करें लो बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, ग्रेप गेल आपको मिल जाएगी, पिलियन सीट मिल जाएगी, फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लॉक आपको देखने को मिल जाएगी, LED हेड लैंप मिल जाएंगे, LED टेल लैंप मिल जाएंगे, टर्न सिग्नल आपको मिल जाएंगे,
पास लाइट आपको मिल जाएगी और फाइंड माई डिवाइस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ड्राइवर बिहेवियर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर दिखाई नहीं देते, यानी कि क्या फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो रिवर्स मोड आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको आर्टिफिशियल कोई साउंड देखने को नहीं मिलेगा, हील असिस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा, जियो फेजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद टेकोमीटर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अपन बात करें पिलियन बैकरेस्ट की तो बैकरेस्ट आपको दिखाई नहीं देगा, शिफ्ट लाइट आपको दिखाई नहीं देगी, किल स्विच आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फीचर है जो नहीं मिलेंगे, और जो जो फीचर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब मेन बात आती है इसकी प्राइस की, के प्राइस क्या रहने वाली है। तो राजस्थान जयपुर की एक शोरूम प्राइस आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो 130,000 में आपको जयपुर राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। आपकी सिटी में ये कितनी प्राइस में मिल रही है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके किस सिटी या किस स्टेट के अंदर ये कितनी प्राइस में मिल रही है। जयपुर राजस्थान में तो अभी मैंने आपको बता दिया इस प्राइस में मिल रही है, आपकी सिटी में कितने में मिल रही है वो मुझे बता दीजिएगा, और कोई अगर अदर क्वायरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, देखते रहिएगा हमारा अपना क्रेजी ईवी।